बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर रोज़ नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बनाएंगे देसी मिर्चों का अचार। इससे पहले हमने आपको कैरी का अचार यानी कि कच्चे आम का अचार बनाना सिखाया, लसूड़े का अचार और इसके अलावा लीमू का अचार। ये सभी अचार हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे देसी हरी मिर्चों का अचार, जिसके लिए हमने हरी मिर्चें ली हैं और इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने इनको ड्राई कर लिया और इस तरह से हम दरमियान में इसके कट्स लगा देंगे। सभी मिर्चों को हमने कट्स लगा दिए हैं। अब हम कढ़ाही में सरसों का तेल ऐड करेंगे, इसको प्रीहीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें देसी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप जब भी अचार बनाएं तो मिर्चों की क्वालिटी अच्छी ही लें ताकि उससे अचार का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बने। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें नमक ऐड किया है। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इसके बाद हम इसमें कलवंजी ऐड करेंगे। और मेथी दाना और मेथे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद हम इसको जार में ऐड करेंगे और ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाकी अचार के साथ ही ऐड कर देंगे। कुछ ही दिनों के बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगी और आप इनको खा सकते हैं। लीमू, लसूड़े और आम के अचार के साथ ही हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इनको मिक्स कर लेंगे। ऑयल आपने इतना ऐड करना है जिसमें अच्छी तरह से ये डिप हो जाए। अचार में कभी भी ऑयल कम ना ऐड करें क्योंकि उसकी वजह से फंगस लग जाती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि अच्छी तरह से ये डिप हो चुका है। अगर और ऑयल ऐड करने की ज़रूरत हुई तो हम इसमें और ऑयल ऐड कर देंगे। इस रेसिपी को बनाएं और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।